प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस प्रकार की लापरवाही सामने आई है उससे पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासी हलचल पर बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। यूपी में भाजपा के 3 विधायकों के सपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि किसी के जाने से भाजपा की शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि इस बार अधिक सीटों पर जीत होगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मझौली कोविड केयर सेंटर के साथ ही तहसील कार्यालय में बनाए गए कोरोना कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किल कोरोना अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संकट के बीच एक राहत भरी खबर है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज सफलतापूर्वक दिया जा चुका है। जिले में अब तक 1,12,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से जेल बंदियों की मुलाकात को 31 मार्च तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सिर्फ ई मुलाकात के जरिए ही जेल बंदियों की परिजनों से मुलाकात हो पाएगी। क्या कोरोना गाइडलाइन सिर्फ शादी विवाह मेला और अंतिम यात्रा के लिए ही बनाई गई है? यदि ऐसा नहीं है तो राजनीतिक रैलियों और जलसों में इसका पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये बात इन दिनों जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराणा प्रताप वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनों ने गढ़ा जोन कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे वार्ड की सड़कें कंडम हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं बची हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह कोरोना के लिहाज से विस्फोटक रहा। दरअसल इस आयोजन में शामिल 8 PhD उपाधि धारकों सहित 12 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। लेबर चौक के समीप सवारियों से भरी एक मेट्रो बस डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में लगभग 3 सवारियां घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है। पड़ोसी युवक के साथ भागी लड़की की तलाश करने में बेलबाग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लड़की की मां SP कार्यालय में धरने पर बैठ गई। पीड़ित परिवारजनों का आरोप है कि दोनों के फोन चालू हैं, इसके बाद भी पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं करवा रही है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित बैकुंठ एकादशी पर नौद्रा ब्रिज स्थित सिद्ध बालाजी मंदिर में सुबह से ही भगवान की विशेष आराधना का दौर जारी रहा। बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 देशी पिस्टल और 39 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पनागर के ग्राम मछरा में हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सिरकटी लाश रखी है और उसकी पत्नी ने ही अपने पति से परेशान होकर उसकी हत्या 2,00,000 रुपए की सुपारी देकर कराई है। हत्या करने वाला आरोपी भी पति का दोस्त था। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में 31 मार्च 2022 तक जेल बंदियों से मुलाकात पर सरकार ने लगाई पाबंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते लिया गया निर्णय, गृह मंत्री ने जारी किया आदेश। स्पाइडर पर चढ़ी मेट्रो बस, लगभग 3 यात्री हुए घायल, लेबर चौक की घटना। और पनागर अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पति से परेशान पत्नी ने 2,00,000 रुपए की सुपारी देकर कराई पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस प्रकार की लापरवाही सामने आई है उससे पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासी हलचल पर भी बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। यूपी में भाजपा के 3 विधायकों के सपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि किसी के जाने से भाजपा की शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि इस बार अधिक सीटों पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर प्रवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद निवास में पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी और पंजाब की सियासत पर बेबाकी से अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक के सपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि जिससे टिकट मिलने की संभावना नहीं है वो ही पार्टी छोड़कर जाएगा।
और किसी के जाने से पार्टी की शक्ति कम नहीं होगी, बल्कि पार्टी अधिक सीटों से चुनाव जीतेगी। वहीं पंजाब की सियासी हलचल और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर कहा कि पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, जिनको टिकट नहीं मिलने की संभावना है जी, वो लोग वहाँ से जा सकते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता है जी। ये जिनको टिकट नहीं मिलने वाले होते हैं वो फिर बाद में इधर उधर जाते हैं। इसको वो सामान्य घटना में लेना चाहिए। तो जहाँ तक भाजपा की शक्ति का सवाल है, आज बहुत ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी, और हमारा विश्वास है कि वापस जिस प्रकार पिछली बार 325 सीट आई थी उसी प्रकार 325 सीट आएगी। इस प्रकार के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है पंजाब की राजनीति में जिस प्रकार का प्रदूषण आया है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को जिस प्रकार खतरा हुआ है, और उसमें सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ जी, और एक मीडिया ग्रुप ने स्टिंग किया, वो आप सब लोगों ने देखा, सारे देश ने देखा, इससे सरकार बेपर्दा हो गई। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगना चाहिए जिस प्रकार का कृत्य वहाँ की सरकार ने। वहीं जावेद हबीब के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि उनकी इस हरकत की जितनी आलोचना की जाए वो कम है। देखिए, वो वीडियो देखने के बाद तो मुझे लगा कि कोई पत्रकार भी देखेगा तो उसकी निंदा करेगा। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान, यदि कहीं पर कोई अपमान करता है तो अपमान करने वाले की निंदा तो होनी चाहिए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बझौली कोविड केयर सेंटर के साथ ही तहसील कार्यालय में बनाए गए कोरोना कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फिलहाल कोरोना अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया और लापरवाही बरते जाने पर कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी। गुरुवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा मझौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईटीआई में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को यहां आने वाले कोरोना संक्रमितों को बेहतर उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं इसके बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा तहसील कार्यालय में बनाए गए कोरोना कंट्रोल सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंट्रोल सेंटर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किल कोरोना अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संकट के बीच एक राहत भरी खबर है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज सफलतापूर्वक दिया जा चुका है। जिले में अब तक 1,12,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबलपुर जिले के 1,14,000 किशोरों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाना था, जिनमें से अब तक 1,12,000 किशोरों को ही टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार के निर्देश पर कक्षा 10वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। देखिए, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में लगभग अभी 1,12,000 बच्चों को टीका लगा चुके हैं। कुछ बच्चे जो कि जैसा स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से 1,14,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों में पंजीकृत हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर करके घर घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। कुछ एक प्रकरणों में बच्चा बीमार है तो बीमार बच्चों को अभी टीकाकरण नहीं करने के निर्देश हैं, तो उनको हम स्वस्थ होने का रास्ता देख रहे हैं। जब वो स्वस्थ हो जाए तब हम उनका टीकाकरण कर सकें। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में ये वैक्सीन का पहला डोज निश्चित रूप से रक्षा कवच साबित होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से जेल बंदियों की मुलाकात को 31 मार्च तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सिर्फ ई मुलाकात के जरिए ही बंदियों के परिजन उनसे मुलाकात कर पाएंगे। जेल बंदियों से मुलाकात को 31 मार्च 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी जेल बंदियों के परिजन अब जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हमने 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिजनों और परिचितों से मुलाकात पर कोरोना संक्रमण के कारण अब मुलाकातें संपूर्ण प्रदेश में स्थगित कर दी। फिलहाल ई मुलाकात
और इनकमिंग कॉलिंग के जरिए ही बात हो सकेगी। ये 31 मार्च तक अभी लागू किया है संपूर्ण जेलों में मध्य प्रदेश। बहरहाल आप सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए ही मुलाकात संभव हो पाएगी, उसके लिए जेल प्रशासन ही प्राथमिकता तय करेगा। क्या कोरोना की गाइडलाइन सिर्फ शादी विवाह मेला और अंतिम यात्रा के लिए ही बनाई गई है? यदि ऐसा नहीं है तो राजनीतिक रैलियों और जलसों में इसका पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये बात इन दिनों जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इन राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शन को देखकर नहीं लगता है कि पूरा प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 4,825 के पार पहुंच चुकी है। अकेले जबलपुर में एक्टिव केसों की संख्या 1,300 हो चुकी है। 3 मौतें भी कोरोना के कारण हो चुकी है, फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। क्या कोरोना की गाइडलाइन सिर्फ शादी समारोह अंतिम यात्रा के लिए ही बनाई गई है? यदि ऐसा नहीं है तो राजनीतिक आयोजनों को छूट देकर जनता के जीवन को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? दिल्ली में शामिल है रैली में सम्मिलित जो शहर में न मास्क की अनिवार्यता, न सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, आखिर ये राजनीतिक जलसों को किसकी शह है? इन पर गाइडलाइन की पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? ये तमाम सवाल आम जनमानस को चिंता में डाल रहे हैं। महाराणा प्रताप वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनों ने गढ़ा जोन कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे वार्ड की सड़कें कंडम हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं बची है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी, परसवाड़ा, बालसागर, विस्थापित बस्ती, शांति नगर और धनवंतरी नगर की सभी सड़कें बदहाल हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय जनों ने गढ़ा नगर निगम जोन कार्यालय का घेराव किया और सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग की। जहाँ जहाँ की सड़कें बनने के लिए टेंडर हो चुके हैं, उन सड़कों को बनाने का काम करें। खेल के मैदान जो कीचड़ में तब्दील है, उनका मुर्मीकरण करवा के, उनका समतलीकरण करा के, उनका सौंदर्यीकरण कराएं। अगर आने वाले समय में हम सभी क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में नगर निगम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम शासन प्रशासन की होगी। क्षेत्रीय जनों ने चेतावनी दी कि यदि जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो जोन कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। लेबर चौक के समीप सवारियों से भरी एक मेट्रो बस डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में लगभग 3 सवारी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ है। लेबर चौक के समीप एक मेट्रो बस के चालक की लापरवाही के कारण बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई और बस में सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। सवारियों के अनुसार बस चालक ने तबीयत खराब होने की बात कही थी और एक गोली खाई थी, जिसके थोड़ी देर बाद ही यह हादसा हो गया। वो ड्राइवर के पीछे बैठी थी। पता है क्या हुआ? वो कहा पता कौन सी गोली खाओ, वही के पीछे बैठी थी मेरे सामने। कहत मैंने कही भैया तो काय की गोली खा रहा हूँ, कहत बुखार चढ़ी है और वह कंडक्टर बाई है थी। वह क्या हुआ? वो आन खे तो भेड़ था उन्हें। मैं तो दीन दयाल से बैठी हूँ। आपको कहीं चोट आई है क्या? मेरे थोड़ी सीने में लगी है, वही कुर्सी लगी, वो सीट लगी हुई की, और इतना घुटना में, और किसको लगा? और लगा और एक बाइक लगा है और एक लड़के, 2-3 लड़के ने लगा तो उन्हें मेडिकल ले गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल ले जाया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह कोरोना के लिहाज से विस्फोटक रहा। दरअसल इस आयोजन में शामिल 8 PhD उपाधि धारकों सहित 12 से अधिक लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संपन्न हुए दीक्षांत समारोह में शामिल हुए 12 से अधिक लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर से विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने केवल 8 PhD धारकों की ही कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है, लेकिन 12 से ज्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित होने की चर्चा जोरों पर है। वहीं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों की जाँच की जा रही है। क्या है कि दीक्षांत समारोह वहाँ पे आयोजित किया गया है, इसमें माननीय राज्यपाल महोदय को भी आना था।
तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी भी होता है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम है तो उसमें लोगों के RT-PCR टेस्ट कराए जाएँ। तो कल काफ़ी RT-PCR टेस्ट वहाँ करीब 100 लोगों के किए गए थे, उसमें से काफ़ी लोग करीब 40 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो दीक्षांत समारोह में उन लोगों को भाग लेने के लिए अनुमति फिर नहीं दी गई थी, और उनको यदि चूँकि लक्षण तो बिल्कुल नहीं थे इसलिए भर्ती करने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन उनके संपर्क में जो और लोग थे तो आज भी वहाँ से सैंपलिंग की गई है, क्योंकि उनके संपर्क में जो विद्यार्थी वहाँ और आए थे तो उनकी भी RT-PCR सैंपलिंग की गई है। अब उसके रिजल्ट हमको आज रात तक या कल प्राप्त होंगे, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं है तो उनको क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई है, या चाहें तो वो होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं, तो ये उन पर निर्भर है। और शासन ने निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइन उनको यूनिवर्सिटी को समझा दी गई है कि इन जो पॉजिटिव लोग आए हैं इन लोगों को किस तरह से रहना है। उनको हम लोगों ने जो किट्स हैं दवाई की वो वितरित कर दी हैं, और आगे से इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं। वहीं दीक्षांत समारोह के बाद अब 15 से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा उत्सव पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 5 जिलों के 350 युवा शामिल होंगे। पड़ोसी युवक के साथ भागी लड़की की तलाश करने में बेलबाग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लड़की की मां SP कार्यालय में धरने पर बैठ गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दोनों के फोन चालू हैं, इसके बाद भी पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं करवा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उनके परिजनों ने SP कार्यालय पहुंचकर धरना दे दिया। महिला का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के के बहकावे में आकर उनकी लड़की घर से सोने और चांदी के जेवरात सहित नगद रुपए लेकर भाग गई है और उनका फोन भी चालू है, इसके बाद भी बेलबाग पुलिस उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है। हमारी बहन 8 तारीख की रात को 7:15 बजे घर से निकली है और घर से 10 तोले सोना, आधा किलो से ऊपर चांदी और 16-17 हज़ार अंदाजन लेके गई है। और पड़ोस के एक लड़के इलू जाट के साथ, संजय जाट उनके पापा का नाम है, उसके साथ घर से गायब हुई है। पूरा पक्का पता है। बिलवा थाने में हमने 5 दिन पहले ही रिपोर्ट लिखा दी, मगर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। आज 5वां दिन है। कहाँ है फोन उठ रहा है, ट्रैक नहीं हो रहा। आज कहाँ? आज SP ऑफिस में हम लोगों ने सब एकत्रित होकर ये कार्रवाई आगे बढ़ाई है, और हमने खुद जानकारी दी है कि फ़ोन ऑन हो रहा है, दोनों का फ़ोन ऑन हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही। हम खुद जाके थाने में बोल रहे हैं कि आप जानकारी प्राप्त करें। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित बैकुंठ एकादशी पर नौद्रा ब्रिज स्थित सिद्ध बालाजी मंदिर में सुबह से ही भगवान की विशेष आराधना का दौर जारी रहा। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करने पर सुख ऐश्वर्य सहित मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ वक्त के लिए बैकुंठ धाम के द्वार भी खुल जाते हैं, इसलिए इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। बैकुंठ एकादशी के मौके पर मंदिर में भगवान बालाजी की विशेष आराधना की गई। मंदिर में सुबह से पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों की आवाजाही लगी रही। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए भक्तों को भगवान का पूजन करने दिया गया। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि बैकुंठ एकादशी पर बालाजी मंदिर में सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, भजन आरती सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी सम्पन्न होते हैं। आज बैकुंठ एकादशी है और जबलपुर में साउथ इंडियंस का ये नौद्रा ब्रिज पे जो मंदिर है, यहाँ बड़े विधि विधान के साथ आज भगवान विष्णु का श्रृंगार किया गया है। सभी प्रकार के मेवों से भगवान का श्रृंगार हुआ है। हमारे साथ हैं मुकुंद जी महाराज, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है। आज क्या है वैकुंठ एकादशी, इसको बोलता है मोक्ष एकादशी भी बोलता है। ये क्या है, ऊपर उत्तर द्वार वैकुंठ में खोलता है उत्तर द्वार, उसमें क्या है पितृ देवता सब देवता नारायण को जाके दर्शन करके वो दूसरा दक्षिण द्वार में आ जाता। ये बहुत विशेष का दिन है। वो पितामह भीष्मर भी अभी उत्तरायण में उसी उत्तर द्वार में जाके भगवान का परम पद हो जाता उसमें। यही इसलिए क्या है, सब लोग अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके बाहर आना है। ये जबलपुर में बाहर आज बहुत विशेष का दिन है।
बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 देशी पिस्टल और 39 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 10,000 के दो इनामी शातिर बदमाश वारिस मिश्रा एवं करण रजक को बरेला पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने पड़रिया सिलुआ रोड पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर बदमाशों के पास से 5 देशी पिस्टल एवं 39 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों के ऊपर विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज है। दोनों ही फरार इनामी बदमाश है। वारिस मिश्रा के विरुद्ध में थाना गोहलपुर में 7, थाना माड़ोताल में 4, थाना कोतवाली में 2, थाना विजयनगर में 1 और ये सब मामले जो हैं हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट के हैं। करीबन 15 अपराध पंजीबद्ध हैं इस वारिस मिश्रा के विरुद्ध में। और जो दूसरा आरोपी था करण रजक, इसके विरुद्ध भी थाना लाडगंज में 2 मारपीट के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। थाना गोहलपुर का एक अपराध है 307 का और इसके साथ में 25 आर्म्स एक्ट भी है। इसमें ये फरार चल रहे थे और इन दोनों आरोपियों पे 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा घोषित किया गया था। तो ये जो पिस्टल बहुत ही उम्दा किस्म की दिख रही हैं, कंट्री मेड पिस्टल, अभी इनका पता कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाए थे और इनका क्या उपयोग था और ये क्या करने वाले थे, इस बारे में हमारा अनुसंधान अभी जारी है। पुलिस इस बात की सरगर्मी के साथ जांच पड़ताल कर रही है कि पकड़े गए शातिर बदमाशों के पास हथियार की ये खेप कहाँ से आई है। पनागर के ग्राम मचला में हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक सिरकटी लाश 40 वर्षीय नरेश मिश्रा की है और उसकी पत्नी ने ही अपने पति से परेशान होकर उसकी हत्या 2,00,000 रुपए की सुपारी देकर कराई है। हत्या करने वाला आरोपी भी पति का दोस्त था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पनागर के ग्राम मचला के 40 वर्षीय किसान की सरकार कर की गई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक किसान नरेश कुमार मिश्रा की पत्नी उषा मिश्रा ने ही हत्या की साजिश रची थी और 2,00,000 की सुपारी देकर मृतक के दोस्त अखिलेश उर्फ अम्मू विश्वकर्मा से हत्या करवाई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त फरसा भी बरामद किया गया है। मृतक और आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा ने दोनों ने खूब शराब पी, यानी उसको बुलाया गया शराब पीने के लिए। जब वो शराब पी के बेसुध हो गया, नीचे अपने आप ही बेढाल हो गया, तो फरसे से उसकी गर्दन पे वार किए गए और वो वहीं पर ढेर हो गया। और इस प्रकार इन्होंने किसी को नहीं बताया और इसकी पत्नी भी पूरे दुख में शामिल रही। और हम चूँकि एक पुलिस की एक कार्यशैली होती है कि हर किसी पर शक करना, और हमने हर किसी पर शक किया, उनके परिवार वालों के भी, गाँव के कई घरों की तलाशी भी ली, तो ये संदेह होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उसकी भी जांच की गई और इसकी किससे बातचीत हुई पहले, अब गांव में किसका आना जाना था, इन सब चीज़ों पे काम किया गया। एंगल जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही था कि मृतक की पत्नी आरोपी से बहुत परेशान थी और वो उसको ख़त्म करवाना चाहती थी, उसको इसके बदले में पैसे दिए गए और इसलिए उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि मृतक नरेश मिश्रा की पत्नी अपने पति से परेशान थी और उसकी यही नाराजगी हत्या की वजह बनी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।